नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुआ दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश पुलिस ने रविवार को कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के बेटे पुष्पराज सिंह पटेल के खिलाफ 25 वर्षीय एक महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक अलीराजपुर जिले के दामिनी ठाकुर ने सप्ताह की शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। पुष्पराज सिंह पर आरोप है कि वह महिला पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था और कई बार किया भी थी, जिससे परेशान होकर महिला ने यह कदम उठा लिया। आरोपी जोबट निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल का बेटा है। वही सूत्र बताते हैं कि महिला के परिवार के सदस्यों ने शिकायत की थी कि पुष्पराज सिंह पटेल उनकी बेटी पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। पूरे मामले पर एसपी ने जानकारी दी कि साल 2019 में जिस व्यक्ति से महिला की सगाई हुई थी, आरोप है कि उस पर पुष्पराज सिंह ने जानलेवा हमला भी करवाया था। इसके बाद लड़के ने सगाई तोड़ दी थी। दोबारा जब ऐसी ही स्थिति बनी तो महिला ने अपनी जान दे दी। अब पुलिस मामले की सघन जांच करते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि रतलाम से आ रही है। बता दी कि रतलाम से हड़कंप मचा देने वाला मामला सामने आया, जहाँ 10 फीट गहरे सीवरेज के गड्ढे में काम कर रहे दो लोग अचानक सड़क धंसने से दब गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया है। हादसे के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। बता दें कि घटना रविवार देर शाम की है। कर्मचारी काम करने के लिए 10 फीट गहरे गड्ढे में उतरे थे। काम करते वक्त अचानक सड़क धंस गई और दोनों दब गए। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने सोमवार सुबह से ही हड़ताल कर दी है। रतलाम के दिलीप नगर के मेन रोड पर मरम्मत का काम चल रहा था। यहां जेसीबी ने पहले से ही गड्ढा खोदा हुआ था। इसी दौरान लोगों ने सीवरेज की लाइन को चोक होने की बात कही थी। इसके बाद निगम के दो कर्मचारी रविवार की शाम करीब 7 बजे 10 फीट गहरे गड्ढे में उतर कर काम करने पहुंचे। इसी दौरान अचानक से सड़क धंस गई और दोनों कर्मचारी मिट्टी और पत्थर में दब गए। घटना होते ही इलाके में हड़कंप पहुंच गया। सूचना मिलते ही नगर निगम से फायर लॉरी सालाखेड़ी चौकी प्रभारी मुकेश यादव समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा, दोनों को गड्ढे से बाहर निकाला और हॉस्पिटल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने सुनील उम्र 26 साल पिता मुन्ना लाल गौहर निवासी शेफी नगर को मृत घोषित कर दिया। वहीं बहादुर उम्र 28 साल पिता हेमराज डामूर निवासी हरथल का इलाज चल रहा है। नगर निगम के कर्मचारी नेता कमल भाटी के मुताबिक जेसीबी से 10 फिट गहरा, 20 फिट लंबा और 40 फिट चौड़ा गड्ढा खोदा गया था। जब कर्मचारी गड्ढे में उतरे तो एजेंसी ने उन्हें किसी भी तरह के सुरक्षा के साधन नहीं पहनाए थे। अगर हेलमेट और अन्य सुरक्षा के साधन पहने होते तो जान बच सकती थी। नगर निगम के कर्मचारियों ने घटना के सामने आने के बाद हड़ताल कर दी। उन्होंने सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह 10:30 बजे से प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांग है कि सफाई कर्मचारियों को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही नगर निगम में ठेका प्रथा खत्म की जाए। सालाखेड़ी चौकी प्रभारी मुकेश यादव के मुताबिक सीवरेज लाइन की मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक से सड़क मिट्टी धंस गई। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई कर सजा दिलवाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।